हेलो, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मैं वी के सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दा जोरावर क्लासेस में। बेटा, आज तारीख क्या हो गई? आज है 14 दिसंबर 2020, दिन हो गया मंडे। ठीक है, चलिए। और लास्ट टाइम मैंने आपके टेस्ट में देखे, बहुत अच्छा स्कोर रहा है कई बच्चों के। पूरे तो नहीं देखे मैंने किसी के, बट हाँ, ये 70-80% में हमारा जो है वो आ रहा है स्कोर, एक एवरेज स्कोर। अच्छी बात है, आप इस तरह पढ़ाई में जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का समाहार। प्रश्न नंबर एक, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी बताइए, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर का, जी बहुत बढ़िया, एक दो ने उत्तर दे दिया। खर का पर्यायवाची शब्द है गधा। ठीक है, खर का पर्यायवाची शब्द है गधा। और याद रखना, खर का जो पर्यायवाची शब्द है वो राक्षस भी होता है। क्लियर? क्योंकि खर नाम का, खर और दूसरे नाम के दो राक्षस थे, ये याद रखना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर दो, जी प्रश्न नंबर दो क्या बोल रहा है कि सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सुधाकर शब्द, सिंधु जलाशय, चंद्रमा या बादल? जी बताइए, सुधाकर किसका पर्यायवाची शब्द होगा? बहुत बढ़िया, तेजी के साथ उत्तर आ रहे हैं हमारे। आंसर नंबर सी, चंद्रमा। चंद्रमा को सुधाकर भी बोलते हैं। क्लियर? जी बहुत बढ़िया। जी यहाँ पर अगर मैं एक बात पूछूं, कर क्या होता है? कर होती है किरण। ठीक है, क्लियर? जी बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर तीन पे जाते हैं। जी बढ़िया, उत्तर दीजिए। केला का तत्सम शब्द क्या है? केला, केला मतलब बनाना। क्लियर? बनाना, बनाना का केला शब्द, सॉरी तत्सम शब्द क्या है? जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और इस्तेमाल भी होता है ये कई सारे ऐसे भारत के राज्य जहाँ पर इसको इस शब्द में इस्तेमाल करते हैं। कौन सा शब्द? कदली। क्लियर? बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। चलिए चलिए अगले बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चार, प्रश्न नंबर चार क्या है? वकील किस भाषा का शब्द है? वकील, वकील क्या होते हैं? एडवोकेट। क्लियर? जी वकील की जो एब्रीविएशन है वो क्या है? ADV। डॉक्टर की क्या है? DR। ठीक है ना, इंजीनियर की क्या है? ER। और टीचर की क्या बना देते हैं हम? TR। क्लियर? चलिए, हाँ जी बताइए, वकील का जो शब्द, कौन सी भाषा का शब्द है वकील? जी वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, अरेबियन। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? जी अगर अरबी उसमें ना हो कभी ऑप्शन में, तो उर्दू होगा, तो आप उर्दू को टिक करके बढ़ सकते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर पाँच, इसी तरह उत्तर देते रहिए। प्रश्न नंबर पाँच कह रहे हैं, निम्न में से, जी निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया बच्चों के आंसर आ गए, जिंदगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जिंदगी। जी यहाँ पर नुक्ता रह गया था, माफ कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर छः की तरफ चलते हैं बढ़ के फटाफट से। जी प्रश्न नंबर छः क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न नंबर छः बोल रहा है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन बताइए। बताइए कौन सा स्पर्श व्यंजन? ये तो आसान सा है, आप सभी लोग कर देंगे। देखिए उत्तर आने भी लगा है। जी बहुत बढ़िया, छ है, छ से छत्री इसको बोलते हैं, ये आपका स्पर्श व्यंजन है। जी और ये जो, ये अलग हो गया आपका, ये ऊष्म हो गया। ठीक है ना, और ये या रा ला वा हा, ये कौन सा है बताइए? या रा ला वा और हा, ये कौन से आते हैं? इसको आप टाइप कर दीजिए फटाफट से। जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर सात, देखिए बच्चों ने आंसर दे दिया जो पूछा। जी प्रश्न नंबर सात कह रहा है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कहाँ हुआ है? किस तरह हुआ है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग? अब देखिए कई सारे बच्चों को उत्क्षिप्त ध्वनि ही नहीं पता होगी, तो वो इसको शायद करने में अब थोड़ा सा उनको शंका होगी। जी बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर कर दिया है। देखिए जी कई बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा जो अलग दिख रहा है, अलग क्या दिख रहा है, वो अलग यही दिख रहा है। क्लियर? पढ़ाई। अब उत्क्षिप्त ध्वनि जो होती है वो दो तरह की होती है, मैं आपको बता के चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। उत्क्षिप्त ध्वनि होती है, ड़ा बना के बिंदी लगा दो और डा बना के डा बना दो। क्लियर? ये होती है उत्क्षिप्त ध्वनि, दो ही होती है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर आठ।
जी क्या कह रहा है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? जी बताइए जल्दी से। जी देवनागरी, खरोष्ठी, रोमन या ब्राह्मी लिपि? जी जल्दी से बताइए। हाँ यहाँ पे आके थोड़ा बच्चे हमारे गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है गलती से सीखेंगे। जो भारतीय भाषाओं का जो विकास है उसका जो, जी बहुत बढ़िया, क्या ऑप्शन है हमारा? डी, ब्राह्मी ही लिपि है जो कि सभी भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है, याद रखना जननी। क्लियर। प्रश्न नंबर 9 क्या है, रामचरितमानस प्रश्न आया हुआ है ये, ठीक है यूपी टीजीटी में, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? जी बताइए जल्दी से कि उसकी रामचरितमानस भाषा जो किताब है उसकी भाषा कौन सी थी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी अवधि है ना, क्लियर, अवधि इसका सही उत्तर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी किसने लिखी थी रामचरितमानस, जरा कमेंट करके बताइए जल्दी से, इतने में आगे पढ़ रहा हूं। प्रश्न नंबर 10 जी, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम? जी बहुत आसान है। अब ये देखिए प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो जीके और हिंदी ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं, जीके में पूछ सकते हैं और हिंदी में भी पूछ सकते हैं, भाषा है ना, तो भाषा में तो ये आ सकता है, मतलब आया हुआ है जी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हिंदी है ना, खड़ी बोली और हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे? जी बहुत बढ़िया, उनका नाम था अमीर खुसरो, राइट, अमीर खुसरो। क्लियर जी, अमीर नाम के अमीर हैं जैसे आमिर खान, ऐसे ही अमीर खुसरो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने अपने समय में लगभग 11, अगर मैं सही हूं तो 11 जो सुल्तान देखे इसने, इस व्यक्ति ने, यानी कि 11 सुल्तानों के ये कवि रहे हैं, याद रखना, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इसने सबको ऊपर चढ़ते हुए, फिर नीचे उतरते हुए, मतलब मरते हुए, और बहुत सारी चीजें इसने देखी, कुछ ने, अमीर खुसरो ने। करेक्ट आंसर है सर्वप्रथम हिंदी में, हिंदवी और तूती हिंद वगैरह सब इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न है सब, याद रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया आज का हमारा सेशन रहा, बच्चों ने तुरंत आंसर करके मेरा दिल खुश कर दिया, मुकेम्बो खुश हुआ, वेरी गुड। चलिए टाइम है अब स्कोर जानने का, जल्दी से आपका स्कोर क्या है जल्दी से पता कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए इसी तरह से स्कोर आप बनाते रहिए, अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।